आज हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट करते हैं, और क्योंकि अगर हमने कोई भी फ्री डेमो अकाउंट ले रखा है गूगल का, तो हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन नहीं आता है। इज ऑलवेज शोज फॉर डेमो अकाउंट की इज अ नो ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर मुझे यहाँ नो ऑर्गेनाइजेशन सेट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक डोमेन आईडी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की। उस डोमेन आईडी को हम रजिस्टर करते हैं workspace.cloud google.com पे, और रजिस्टर होने के बाद जब वो रजिस्टर हो जाती है URL, देन उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। और जैसे ये मेरा एक डोमेन अकाउंट है techizone.co.in, इस अकाउंट को मैंने यहाँ से रजिस्टर कर दिया। अब ये मेरा फ्री अकाउंट क्रिएट हो चुका है। फ्री अकाउंट टेकी जोन, जो कि मेरी ईमेल आईडी amit.pandey@techizone.co.in पे रजिस्टर हुआ। अब नेक्स्ट इस फ्री अकाउंट को या डेमो अकाउंट को हम कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें अकाउंट रजिस्टर करने के लिए फ्री क्रेडिट्स 3,300 डॉलर्स के जो फ्री क्रेडिट है वो लेने के लिए इसकी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसे स्टार्टअप कंपनी तो एक सिंपल सा देके इस पे मैंने कोड आएगा मेरे पास, इस कोड का को वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन कोड आ गया है। वेरिफिकेशन कोड आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस इन ये कोड डाल के इसको वेरीफाई कर दिया। अकाउंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ये मेरे से मेरी बिजनेस डिटेल टेकी जोन एंड नाउ दिस विल आस्क फॉर द कार्ड डिटेल। ये कार्ड डिटेल मुझे देना होगा। कार्ड डिटेल देने के बाद दिस विल डिटेक्ट 2 रुपीज फ्रॉम माई अकाउंट, और 2 रुपये डिटेक्ट होने के बाद जो कि रिफंडेबल होते हैं, रिफंड वापस आ जाएंगे और मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सो नाउ आई विल प्रोवाइड द डिटेल ओवर हियर। और ये हमने बिजनेस पेमेंट डिटेल दे दी, अपना कार्ड नंबर और एड्रेस। फिर नेक्स्ट स्टेप, टैक्स इंफॉर्मेशन नहीं देना है। स्टार्ट फ्री ट्रायल। स्टार्ट फ्री ट्रायल करने के बाद नाउ दिस विल आस्क फॉर द सिक्योरिटी कोड, जो भी हमारे कार्ड का अब जो भी OTP वगैरह आपका आता है वो OTP आपको यहाँ पर पुट करना है। इसके बाद 2 रुपीज़ आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगे, जो कि रिफंडेबल होते हैं विद इन 48 आवर्स, और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन प्लीज सेलेक्ट इज अ सिक्योरिटी
सारी सर्विसेज जो भी मुझे देखनी है सब कुछ इनेबल कर देता हूँ ताकि बात के लिए कोई ऑप्शन ना रहे। और ये नेक्स्ट और डन। अभी मेरा यहाँ पे कंप्यूट इंजन सर्विस इनेबल हो गई है और आप देख रहे होंगे प्रोजेक्ट नेम आ रहा है। मैं प्रोजेक्ट नेम पे जाके अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे अगर मैं जाऊँगा ऑल पे यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ मुझे आ रहा है नो ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूट इंजन अभी मुझे नहीं करना है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है। इनेबल किया है इसको। न्यू प्रोजेक्ट, अगर मैं कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहूँ तो मैं नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। वंस गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म बिलिंग अकाउंट एंड प्रोजेक्ट, माय बिलिंग अकाउंट, techizone.com, ऑर्गेनाइजेशन इंडिया एंड नेक्स्ट क्रिएट पेमेंट प्रोफाइल। ये मुझे बिलिंग अकाउंट क्रिएट करने के लिए आ रहा है। मैंने अपना जो भी डिटेल्स दी थी वो यहाँ पे आ गई हैं। नेक्स्ट किया। ये प्रोजेक्ट बिलिंग नाउ इज शोइंग द बिलिंग अकाउंट, डायरेक्ट बिलिंग अकाउंट है जो टेकी जोन के नाम से आ गया। अब मैं यहाँ से कंप्यूट इंजन कोई भी सर्विस अगर इनेबल करते हैं तो उस सर्विस के लिए हमें वहाँ की एपीआई सर्विस इनेबल करनी पड़ती है। तो एपीआई सर्विस इनेबल होने के बाद ही उस पर्टिकुलर सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। तो एपीआई हमने यहाँ पे अगर कंप्यूट इंजन की एपीआई हमने इनेबल कर दी तो जब ये एपीआई सर्विस इनेबल हो जाएगी देन वी विल एबल टू क्रिएट कंप्यूट्स और जो वीएम वर्चुअल मशीन्स हैं वो हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। लर्न फॉर जीसीपी था यहाँ पे। अभी ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं एपीआई सर्विस मेरी इनेबल हो गई है। अब मैं कंप्यूट इंजन पे जाता हूँ और क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है तो प्रोजेक्ट में ऑर्गेनाइजेशन भी आना चाहिए। स्टार्ट नो ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्स मैनेजर प्रोजेक्ट क्रिएट परमिशन। ओके रिसोर्स मैनेजर डॉट प्रोजेक्ट
डॉट क्रिएट। तो मैं जिस आईडी से लॉगिन हुआ हूँ उस आईडी को मुझे पहले परमिशन देनी होगी। आई एम, ये गया प्रोजेक्ट में और ये रही मेरी आईडी, ओनर हूँ साथ में ही, एडिट प्रिंसिपल रूल, और ऑनर परमिशन के साथ ये यहाँ पे मेरा ऑप्शन आ गया, techizone.co.in एंड प्रोडक्शन। तो अब मेरा जब ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्रिएट हो गया, तो मैं अगर कोई भी नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, लाइक न्यू प्रोजेक्ट, तो न्यू प्रोजेक्ट में मेरा ये ऑप्शन आता है लोकेशन। ब्राउज करके मैं लोकेशन दे सकता हूँ कि कौन सी लोकेशन मुझे देनी है। अब फोल्डर क्रिएट करना है तो मैं फोल्डर भी क्रिएट कर सकता हूँ कि प्रोजेक्ट को मुझे किसी फोल्डर के अंदर रखना है। एक्चुअली जो परमिशन लेवल यहाँ पे गूगल पे यूज होती है, गूगल पे तो यहाँ पे परमिशन लेवल्स चलती हैं। पहले, सबसे पहले टॉप पे जो होता है मेरा, वो होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के नीचे जो आता है, उसके बाद आता है मेरा फोल्डर। कोई फोल्डर क्रिएट करेंगे, फिर उस फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, फोल्डर, फिर आता है मेरा प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट के बाद मेरे रिसोर्सेस आते हैं, जो भी रिसोर्सेज वीएम क्रिएट करना है या जो भी। तो अकॉर्डिंग टू दिस वी अप्लाई द पॉलिसीज। पॉलिसीज भी हमारी पहले ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होती हैं, फिर फोल्डर पे, फिर प्रोजेक्ट पे। तो ये आई एम पॉलिसीज होती हैं, यहाँ पे हमारे ये रिसोर्स आ जाता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी, जब मैं कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, तो सपोज मैंने जो पहला प्रोजेक्ट बनाया था टेकी जोन बनाया है, दूसरा बना रहा हूँ टेकी जोन एन पी आर ओ डी, यहाँ पे एडिट करके मैं प्रोजेक्ट आईडी भी देना है। प्रोजेक्ट आईडी मेरी और प्रोजेक्ट नेम और प्रोजेक्ट आईडी सेम आ रही है। कहीं कहीं पे ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं, अगर आप कहीं सपोर्ट पे वर्क करते हो तो हो सकता है कि प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट नेम डिफरेंट डिफरेंट हो। मेरे केस में ये, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं केवल प्रोजेक्ट आईडी को भी चेंज कर सकता हूँ, प्रोजेक्ट नेम में देखिए चेंजेस नहीं हो रहा है। तो कहीं कहीं पे प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट नेम डिफरेंट हो सकते हैं, तो वहाँ पे आप एक बार चेक करेंगे कि प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट नेम सेम है या नहीं है। वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए आप जब इस ड्रॉप डाउन पे जाएंगे तो आपको यहाँ से ये प्रोजेक्ट नेम भी आ जाएगा और प्रोजेक्ट आईडी भी मिल जाएगी। ठीक है, अभी आपके पास दो प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुके हैं। अगर आप इस पे चाहें कि आपको फोल्डर क्रिएट करना है, एंड प्लॉट पे आ गए हम और मैनेज रिसोर्सेज आई एम परमिशन सेटिंग। अगर मुझे किसी को चूज कर रखा है मैंने और मैनेज रिसोर्सेज पे गया, तो मैनेज रिसोर्सेज पे जाके, लाइक मेरा नॉन प्लॉट है, नॉन प्लॉट को सेलेक्ट करना है, इस पे कुछ लेबल टैग या कुछ भी लगाना है मुझे, मैं यहाँ से लगा सकता हूँ। क्रिएट करना है फोल्डर, मैंने क्रिएट किया, एक फोल्डर बनाया एन प्लॉट लोकेशन, लोकेशन मैं यही रखूंगा अपना टेकी जोन।
लोकेशन ये सेम आ रहा है, तो मैं लोकेशन टिकी जोन प्रोडक्शन प्रॉड के लिए दे देता हूँ पहले मैं, क्योंकि मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ उसके लिए फोल्डर सर्विस फील्ड। चलो कोई बात, कंप्यूट इंजन में आते हैं। अभी मेरे पास दो प्रोजेक्ट हैं, इन प्रोजेक्ट के अंदर हम फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं और उन के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट को रख सकते हैं। सपोज कि मेरा techiezone.com है, .co.in है, इसके अंदर मैं प्लॉट के फोल्डर के अंदर प्लॉट प्रोजेक्ट को रख सकता हूँ और नॉन प्लॉट के अंदर नो, और उसके अंदर मैं और भी प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। अब इसमें आता है कि होस्ट एंड सर्विस प्रोजेक्ट, अगर मुझे होस्ट प्रोजेक्ट और सर्विस प्रोजेक्ट लेके चलना है, लाइक मेरे पास कई एप्लीकेशंस हैं, सपोज कि एप्लीकेशन है मेरे पास SAP की, उसके लिए अलग प्रोजेक्ट है, कोई दूसरी एप्लीकेशन है उसके लिए कोई दूसरी मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है। तो उस केस में क्या होता है कि हम किसी एक प्रोजेक्ट को होस्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं और सर्विस प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो ये होस्ट और सर्विस प्रोजेक्ट का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आपका शेयर्ड VPC से आता है, और शेयर्ड VPC तब तक वर्क नहीं करता है जब तक कि आपके पास आपका ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सारी चीज़ें क्रिएट ना हो। मीन्स नो ऑर्गेनाइजेशन अगर आ रहा है, फ्री अकाउंट है आपका और उसमें नो ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, तो आप कभी भी शेयर्ड VPC नहीं क्रिएट कर पाओगे। तो वो चीज़ क्रिएट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करें। ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए आपको एक डोमेन चाहिए होता है, उस डोमेन को जाके आपको वर्क स्पेस गूगल के वर्क स्पेस पे जाके उसको रजिस्टर करना होता है, और उसके बाद इसके साथ साथ IAM का जो पूरा कंप्लीट पैकेज मिलेगा आपको, IAM एडमिन, ये भी आपका तभी चलेगा जब आप ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फिगर करके रखें। अगर नहीं होगा तो वो सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। अब ऑर्गेनाइजेशन लेवल के बाद ये तो एक मैंने एक बेसिक अकाउंट क्रिएट करना और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना ये आपको अभी दिखा दिया। अब नेक्स्ट ये होगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो जो चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं तब हम क्रिएट कर सकते हैं जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, और कौन सी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो पहली चीज़ IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जिसका फुल राइट्स हमको नहीं मिलता है अगर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं क्रिएट है। सेकंड कि अगर मैं BPC पे जाता हूँ तो BPC पे भी मुझे कुछ सर्विसेज हैं जो नहीं मिलती हैं, लाइक मैं BPC पेयरिंग तो कर सकता हूँ लेकिन शेयर्ड BPC नहीं क्रिएट कर सकता। तो API इंजन अभी चल रहा है, BPC पे आ जाता हूँ। अब यह है शेयर्ड BPC। BPC पेयरिंग मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, BPC नेटवर्क्स कैसे क्रिएट करते हैं, सबनेट कैसे क्रिएट करते हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ। तो अभी शेयर्ड BPC पे आते हैं। शेयर्ड BPC, सेटअप अ शेयर्ड BPC, मैनेज ऑल शेयर्ड BPC, दोनों ही ऑप्शन आ रहे हैं शेयर करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे शेयर्ड BPC क्रिएट करते हैं और कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन पे जाके कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन लेवल की पॉलिसीज सेट करते हैं। IAM पॉलिसीज के बारे में कंप्लीट डिटेल नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। तो कंप्लीटली जो भी डिटेल आपको, अगर IAM से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स देखनी हो कि IAM कैसे कॉन्फिगर करते हैं या IAM की पॉलिसीज कैसे अप्लाई करते हैं, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। जो नेक्स्ट नेक्स्ट वीक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में IAM प्रोसेस, कम्प्लीटली IAM प्रोसेस, कि कैसे कम्प्लीट IAM प्रोसेस को हम अप्लाई करते हैं, कैसे सिक्योरिटी लगाते हैं, कैसे हम कोई पॉलिसी अप्लाई करते हैं, वो सारी चीज़ें, प्लस शेयर्ड BPC कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।